गुड़गांव। क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा आपको क्या तकलीफ थी पहले? डॉक्टर, मेरे नाक से पानी बहता था और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ये कब से समस्या चल रही है आपको? 8-10 साल से। अच्छा, ये कुछ खाने पीने से भी समस्या थी क्या आपको? हाँ, कुछ भी सी दही घी तली हुई चीज सब कुछ ही लगा लो, सूखी रोटी खाते ही सही रहो। तो ये खाने से क्या होता था आपको? दूध दही घी ये खाने के बाद में क्या होता था? सांस चलो जैसे तार बोलने लग जाए कर दो और छींक आने लग जाती थी। हाँ। अच्छा, और ये पूरे साल ही चलती थी या कोई एक मौसम में ऐसा होता था? डॉक्टर, सर्दियों में। सर्दियों में ज्यादा होती हाँ। थी। अच्छा, आप बता रहे थे कि जैसे अगर पर्स पे नंगे पैर चलते हो तो भी आपको छींके ज्यादा आती है। हाँ। ऐसा होता है? हाँ। अच्छा, यहाँ इलाज लेने के बाद में आपको कैसा महसूस हो रहा है? डॉक्टर, काफी बेटर, सब कुछ अभी तो सही से। अच्छा, नाक से पानी बंद हो गया? हाँ। सांस फूलता था वो भी नहीं है? नहीं। अच्छा, और छींके बिल्कुल भी नहीं आती। तो आपको कितना आराम मानती है इलाज लेने के बाद में? 100% मान लो। 100% आराम मानते हो? ठीक है। तो आप यहाँ के स्टाफ से डॉक्टर से सबसे संतुष्ट है? दूसरों को भी बताएंगे इस इलाज के बारे में? मैं सब तो बता दूंगी जो दुखी है। मैं खुद दुखी हूँ, मैं मेरे से दूसरा बहुत दुखी होता होगा। बहुत दुखी होते हैं। जिन आराम जैसे ठीक चल रहे तो आंख में भी पानी, नाक में भी छींके भी खूब आती थी, खुजली भी चलती थी। आंख में बहुत ज्यादा खुजली मचा हुई है। अच्छा, अभी आप खाने पीने में सब कुछ खा रहे हैं कि अभी भी आपने बंद किया हुआ है कुछ खाने? नहीं, आप सब कुछ खाने से। या इलाज लेने के बाद में दूध दही घी सब खा रहे हैं? सब कुछ। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने मेरे ऊपर विश्वास जताया, इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं और आपके सुखद स्वास्थ्य की कामना करता हूँ।